वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमारी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किसे कहते हैं? अब जैसे देखें, अल्जेब्रिक इक्वेशन आपने की है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है। इक्वेशन का मतलब है जहां पे इक्वल का साइन आ जाए, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, वो इक्वेशन होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वो होती है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, अब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कब कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल हमारा थीटा क्या है? वेरिएबल। यानी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू हो। ट्रू का मतलब लेफ्ट साइड किसके इक्वल हो? राइट हैंड साइड के लिए। तो वो इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब देखो, आप थीटा इसमें कुछ भी पुट करें, दोनों साइड इक्वल होंगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल थर्ड है, अब कोट थीटा, थीटा जीरो, तो कोट जीरो तो डिफाइन नहीं होता, तो उन वैल्यूज को छोड़ के जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमारी डिफाइन नहीं है, सिर्फ उन वैल्यूज को छोड़ के, यानी कि वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमारी ट्रू है, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या कहलाती है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाती है। यहाँ पे आज हमें तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और भी है, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वो नॉर्मल है। ये हमारी मेन जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, हम इसका प्रूफ करेंगे। मैं एक आइडेंटिटी को प्रूफ करवा देता हूं, उसके बाद दो आइडेंटिटी आप खुद कर सकते हैं। फर्स्ट टू प्रूफ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हम फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं, ए बी सी। अब एंगल थीटा तो मानना पड़ेगा, या तो एंगल थीटा की जगह ए ले सकते हो आप, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, वो तो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसी तरह सेम। तो ए को मैं यहां पे थीटा मान लेता हूं, ये थीटा मान लो या ये थीटा मान लो, आपकी मर्जी है, नो प्रॉब्लम। तो देखें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा का मतलब आपको मैंने बताया था साइन थीटा की होल स्क्वायर, इसका मतलब ये है। अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखो, थीटा के बिल्कुल जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, और जो एडजेसेंट साइड है ये कहलाती है हमारी अपोजिट साइड टू एंगल, या टू एंगल ए, ए की अपोजिट साइड, और ये कहलाती है एडजेसेंट साइड, और ये हाइपोटेन्यूज होता ही है। तो परपेंडिकुलर कौन सा है? बी सी। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ए सी, साइन थीटा की होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा, कोस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस कौन सा है? ए बी, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ए सी, ये कोस थीटा निकला है, और इसका फिर क्या स्क्वायर, तो ये क्या आ गया? बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी की स्क्वायर प्लस ए बी की स्क्वायर बाई ए सी की स्क्वायर। यहां से एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? ए सी की स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी की स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब बी सी की स्क्वायर प्लस ए बी की स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम किसकी इक्वल होगा? ए सी की स्क्वायर, ए सी की स्क्वायर बाई ए सी की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 1, दिस इज इक्वल टू 1, कौन सी साइड है? ये राइट हैंड साइड, और यहां पे कौन सी? सिंस बाई पाइथागोरस थ्योरम ए सी की स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर, पाइथागोरस। यहां पे हमने क्या लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू 1, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी की स्क्वायर किसके इक्वल है? ए सी की स्क्वायर के, और नीचे ए सी की स्क्वायर है, इसको कैंसिल किया तो क्या आ गया? 1, कौन सी साइड आ गई? राइट हैंड साइड। तो हमने यही शो करना था, दिस इज इक्वल टू 1। अदर टू आइडेंटिटीज यू कैन प्रूव।